नमस्कार, मैं हूं शुभ और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है, या यूं कहे तो उन जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में जल स्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है हर वर्ष बिहार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से जूझता है, और यही वजह है कि फिलहाल इन तमाम जिलों को रेड पर रखा गया है। अगर जिलों की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन जिलों को फिलहाल रेड अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है, लगातार जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है और आने वाले वक्त में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और क्या कुछ जानकारी है मौसमविदों की तरफ से, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार है। भारी बारिश एवं वज्रपात के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के शेष जिलों में फिलहाल अच्छी बारिश के आसार है। इन जिलों के लिए ऑरेंज एवं येलो अलर्ट है। रेड अलर्ट जारी होने का मतलब है कि काफी अधिक बारिश होनी है, इससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, वहां पहले ही काफी बारिश होने से स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई है। सीमावर्ती जिलों के गांवों में बाढ़ का पानी आने लगा है। वहीं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि वर्तमान में राज्य में मॉनसून मेहरबान है। प्रदेश के उत्तरी भाग से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मॉनसून के अनुकूल वातावरण बना है। राजधानी में पिछले 36 घंटों में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सामान्यतः अब तक राजधानी में 57.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, और राज्य में सर्वाधिक बारिश पश्चिम चंपारण में हुई है। वहीं जून में 80 मिलीमीटर बारिश सामान्यतः होनी चाहिए, लेकिन अब तक 339 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसी तरह सिवान, गोपालगंज, सारण में भी सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी झारखंड में होते हुए उत्तर बिहार की ओर बढ़ रही है। नमी युक्त हवा जब चंपारण के इलाके में आगे बढ़ती है तो हिमालय की तराई में रुकावट पैदा होता है, जिससे भारी बारिश होती है। तो आपको बता दें कि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और रेड अलर्ट का मतलब होता है भारी बारिश। जी हां, इन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, और भारी बारिश होगी तो इससे बाढ़ का भी असर देखने को मिलेगा। बाढ़ प्रभावित ये जिले हर वर्ष रहते हैं, और ऐसे में मौसमविदों की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। बहरहाल अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो 18 जून तक येलो अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस बदलते मौसम में और आसमान से बरसती आफत के बीच आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।